तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर मॉर्निंग के टाइम में देख रहे हैं, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल में। तो आज हम यहाँ पे मैराथन क्लास चलाएंगे, बेहतरीन क्वेश्चन रहेंगे, करीब करीब 70 या 80 क्वेश्चन के आसपास होंगे, तो लास्ट तक बने रहें। PDF अगर आप चाहते तो नीचे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा फुल एंड फाइनल पार्ट है, अब जो है लास्ट पार्ट आज आपको मिल रहा है, और अच्छे से तैयारी करें। परसों आपका एग्ज़ाम है तो अच्छे से तैयारी करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पश्मीना उल अर्थात टेस्ट पेपर नंबर 13 है ये, कि पश्मीना वुल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, जो पश्मीना ऊन होती है वो किससे प्राप्त की जाती है? सिप यानी भेड़ से, बकरी से, खरगोश से, या फिर ऊंट से। तो जो पश्मीना ऊन होती है वो जो है प्राप्त की जाती है बकरी से, गोट से। तो ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा रैबिट से एक खास तरह की ऊन प्राप्त की जाती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ सिप, भेड़ का जो जीवन काल होता है वो सामान्यतः कितना होता है? 8 से 12 साल का, 8 से 9 साल का, 12 से 15 साल का, या फिर 15 से जो है वो 20 साल का होता है। तो करेक्ट आंसर है इसका, जो भेड़ का सामान्य जीवन काल होता है वो होता है 10 से लेके 12 साल तक जो है भेड़ जिंदा रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैटल बिलोंग टू द फाइलम ऑफ, जो कैटल होते हैं वो किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? कॉर्डेटा, मोलस्का, दोनों से, या इनमें से किसी से भी नहीं। जो कैटल होते हैं वो बिलोंग करते हैं ऑप्शन नंबर ए कॉर्डेटा से, जो है वो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन इंडिया मैक्सिमम गोट इज़ फाउंड इन, भारत में अधिकतम जो बकरियां होती हैं वो किस राज्य में पाई जाती हैं? राजस्थान में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में, या फिर हरियाणा में। तो भारत में अधिकतम जो बकरियां होती हैं वो पाई जाती हैं राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वैसे भी राजस्थान का अच्छा खासा स्थान है पशुपालन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बफेलो की मीट, भैंस की मीट को किस नाम से जानते हैं? मटन के, बफन के, बीफ के, या फिर चिकन के। तो भैंस की जो मीट होती है उसे जाना जाता है बफन के नाम से, ऑप्शन नंबर जो है बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको पता ही है मटन सिप यानी भेड़ के मांस को बोलते हैं, बीफ आपको पता है किसको मांस को बोलते हैं, और चिकन जो है मुर्गी के मांस को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर कैपिटा मिल्क रिक्वायरमेंट इन इंडिया, भारत में प्रति व्यक्ति दूध की आवश्यकता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार लगा लो कि भारत में प्रति व्यक्ति दूध की कितनी आवश्यकता होती है? 280 ml पर डे, 380 ml पर डे, 480 ml पर डे, या फिर 180 ml पर डे। भारत में प्रति व्यक्ति दूध की आवश्यकता कितनी खपत है भारत में? तो वो है 280 ml पर डे, एक व्यक्ति के लिए भारत में जो है 280 ml दूध जो है प्रतिदिन के हिसाब से की खपत है भारत में। तो अच्छा खासा जो है रिक्वायरमेंट है, और भारत बतेरा दूध उत्पादन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ बफेलो आर फाउंड इन, सबसे अधिक संख्या में भैंसें किस जगह पाई जाती हैं? नॉर्वे, चाइना, इंडिया, या पाकिस्तान। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा भैंसें विश्व में भारत में पाई जाती हैं, ठीक है। बहुत मात्रा में, मतलब नंबर ऑफ बफेलोज की बात हो रही है यहाँ पे, तो खास भारत का स्थान है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेस्टेशन पीरियड ऑफ कैमल, ऊँट का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 310 दिन का, 350 दिन का, 390 दिन का, 450 दिन का। तो जो ऊँट का जो गर्भकाल होता है वो होता है 390 डेज का, 390 डेज का ऊँट का गर्भकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि द गेस्टेशन पीरियड ऑफ मेयर, जो घोड़ी होती है उसका गर्भकाल कितना होता है? एक ना एक ऐसे जेस्टेशन या गेस्टेशन पीरियड वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा, अच्छे से पढ़ के जाएं। गेस्टेशन पीरियड ऑफ मेयर, तो जो घोड़ी होती है उसका गर्भकाल कितने दिन का होता है? वो 340 दिन का, कितने दिन का? करीब करीब 340 डेज का। अब जैसे ये नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं तो एक दो दिन, दो चार दिन जरा ऊपर नीचे वेरी कर सकते हैं, तो जो भी इसके करीब करीब आंसर दिख जाए आपको उस पर टिक कर लेना, ठीक है। घोड़ी का 340 दिन का और ऊँट का जो है 390 दिन का, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ एग इन इंडिया, भारत में अंडों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है? यानी एक व्यक्ति को भारत में जो है प्रति साल कितने अंडे खाने को मिलते हैं? पर ईयर बोल रहे हैं, ध्यान रखना। तो 10 से 15 एग पर ईयर, 10 से 12 एग पर ईयर, 18 से 20 एग पर ईयर, या फिर 20 से 25 एग पर ईयर। तो भारत में जो अंडों की उपलब्धता है वो 18 से 20 एग पर ईयर के हिसाब से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बफेलो मिल्क इज़ नॉट येलो बिकॉज, भैंस का दूध पीला नहीं होता, ध्यान रखना नहीं लिखा हुआ है, भैंस का दूध पीला नहीं होता क्योंकि इट कंटेन्स मोर शुगर, इट कंटेन्स मोर फैटी एसिड, इट कंटेन मोर प्रोटीन, इट कंटेन्स मोर कैल्शियम। तो भैंस का दूध पीला क्यों नहीं होता, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि इट कंटेन मोर कैल्शियम। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिल्क शुगर इज, मिल्क शुगर जो मिल्क में शुगर मिलती है वो कैसी है, मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है या फिर इनमें से सभी है। तो जो मिल्क शुगर होती है, ठीक है, वो होती है जनरली वो डाइसैकेराइड शर्करा होती है, ऑप्शन नंबर बी, यानी उसको हाइड्रोलिसिस करने पे, जल अपघटन करने पे मोनोसैकेराइड के दो मॉलिक्यूल मिलते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मिल्क में कौन सी शुगर मिलती है, जल्दी से जल्दी कमेंट करो, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, इतना तो कर ही सकते हो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज हीट रेजिस्टेंस, निम्न में से कौन सा जानवर गर्मी के प्रति प्रतिरोधी होता है, यानी गर्मी को सहन करने की उसमें जबरदस्त क्षमता होती है, यानी सिप यानी भेड़ में, कैमल में, काउ में, बफेलो में। तो इसका आंसर सभी दे सकते हैं, बच्चा बच्चा दे सकता है कि कैमल जो है, ऊँट जो है रेगिस्तान में पाया जाता है जहाँ ज़बरदस्त गर्मी पड़ती है, तो ये वहाँ पे गर्मी के लिए अपनी बॉडी को रेजिस्टेंस के लिए ढाल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेस्पिरेशन रेट ऑफ हॉर्स इज, रेस्पिरेशन रेट जो हॉर्स का यानी जो श्वसन दर है प्रति मिनट वो कितनी होती है घोड़े में, 8 से 12 पर मिनट, 12 से 20 पर मिनट, 15 से 30 बार पर मिनट या फिर 16 से 32 बार पर मिनट। तो घोड़े में जो रेस्पिरेशन रेट होती है वो होती है कितनी, 8 से 12 पर मिनट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिल्क, मिल्क का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, -0.41 डिग्री सेल्सियस, -0.54 डिग्री सेल्सियस, -0, ये दोनों सेम हो गए क्या, चलो इन पे ये सेम ऑप्शन है, और लास्ट है 0.6 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना डिग्री सेल्सियस में है, तो जो मिल्क का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो करीब करीब 0.54 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है। तो अब अगला पार्ट देखते हैं, ये लो, अब टेस्ट नंबर 14 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि खैरा डिजीज ऑफ राइस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, चावल में जो खैरा रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, जिंक की, आयरन की, नाइट्रोजन की या सल्फर की। बच्चे बच्चों को इसका आंसर पता है, चावल का जो खैरा रोग है, धान का जो खैरा रोग है वो जिंक की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन कलर ऑफ बाइल जूस इज ड्यू टू, पित्त रस का जो हरा रंग है वो किसके कारण होता है, बाइल वर्डिन के कारण, बिलरुबिडिन के कारण, सोडियम ग्लाइकोलेट के कारण या इन सबों के कारण। तो जो बाइल जूस होता है वो उसका ग्रीन कलर वो जनरली होता है बाइल वर्डिन के कारण, ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेन फंक्शन ऑफ सीटी इन अर्थवॉर्म, केंचुए में जो सीटी होती है, यहाँ पे सीटी लिख लेना, सीटी का मुख्य काम क्या होता है, एक्सक्रीशन का, न्यूट्रिशन का, रेस्पिरेशन का या फिर चलने का यानी लोकोमोशन का। तो जो वो हुआ है कौन, जो हमारा केंचुआ होता है, अर्थवर्म होता है, उसमें सीटी का मेन काम क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सीटी का जो मेन काम होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोकोमोशन का होता है, किसका होता है, लोकोमोशन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉइल स्ट्रक्चर इज इंप्रूव्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ, जो सॉइल स्ट्रक्चर होता है उसको सुधारा जा सकता है किसके प्रयोग द्वारा, यूरिया के, सुपर फॉस्फेट के, पोटास के या फिर जिंक सल्फेट के। जो सॉइल का स्ट्रक्चर है, सॉइल की जो स्ट्रक्चर को जो है वो सुधारा जा सकता है सुपर फॉस्फेट के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम इज सिचुएटेड इन, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम स्थित है कहाँ पे, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में, देहरादून में। तो सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम जो है वो स्थित है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में स्थित है, बहुत ही फेमस है, अंग्रेजों के ज़माने का है। नेक्स्ट देहरादून में FRI है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्मली कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर रेशियो ऑफ सॉइल, सामान्य रूप से मिट्टी में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर का रेशियो कितना होता है, 100:20:1 का, इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो जिसका जो करेक्ट आंसर है वो है 100:10:1 का रेशियो रहता है कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर में मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जिसे NHM के नाम से जाना जाता है वो किस साल स्टार्ट किया गया भारत में। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जिसमें बागवानी
को बढ़ावा दिया गया वो भारत में स्टार्ट किया गया ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2005 में स्टार्ट किया गया नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन यानी NHM। मुंह उठा के सुन लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्प्रोटिंग इन क्रॉप्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय, फसलों में अंकुरित, फसलों को अंकुरित होने से रोका जा सकता है कैसे, किसका प्रयोग करके, पोटेशियम मेटल बाइसल्फेट का, मेटल नहीं मेटा है, पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट का, साइकोसिल का, एसिटिक एसिड का या फिर मैलिक हाइड्रोजाइड का। तो फसलों को अंकुरित होने से रोकने के लिए, मानो कोई फसल आपने रखी है अंदर अंदर, जैसे आलू का भी अपने आप ही अंकुरित हो जाते हैं, तो अंकुरित होने से रोकने के लिए उनको किस चीज़ का छिड़काव उन पर करना चाहिए, तो वो करना चाहिए मैलिक हाइड्रोजाइड का, ऑप्शन नंबर जो है डी। एक सेकेंड रुको, मैं कलर चेंज करता हूँ, क्योंकि ये भी ब्लैक हो रहा है, ये भी ब्लैक हो रहा है, कौन सा कलर लूँ, कैसे चेंज करते हैं कलर, अच्छा मिल गया शुक्र है। चलो अगला क्वेश्चन देखो कि द प्रोडक्शन ऑफ RBC इन द बोन मैरो इज रेगुलेटेड बाय, बोन मैरो में RBC का उत्पादन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, रेनिन के द्वारा, एरिथ्रोपोएटिन के द्वारा, आयरन आयंस के द्वारा या फिर कॉपर आयंस के द्वारा। जो बोन मैरो में RBC का उत्पादन जो है वो कंट्रोल किया जाता है एरिथ्रोपोएटिन के कारण, ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ राइस इज कॉल्ड, इन धान में जो धान का पौधा होता है उसमें किस तरह का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, स्पाइक, पेनिकल, टेसल या फिर इनमें से सभी। तो धान में जो इन्फ्लोरेसेंस मिलता है वो मिलता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पेनिकल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस धान में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द इवेपोरेशन, इवेपोरेशन को मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, हाइग्रोमीटर का, लाइसीमीटर का, इवेपोरीमीटर का या फिर इन सबों का। तो जो इवेपोरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, इसे मापा जाता है लाइसीमीटर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा बी सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, 6 अक्टूबर, 4 दिसंबर, 26 अक्टूबर या फिर 16 अक्टूबर। तो वर्ल्ड, ध्यान रखना, वर्ल्ड खाद्य दिवस पूछा गया है, फूड डे पूरे विश्व में मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरफेरोंस आर, इंटरफेरोंस क्या हैं, इंटरफेरोंस है एंटीवायरल प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, एंटी बैक्टीरियल प्रोटीन या फिर एंटी कैंसर प्रोटीन। तो जो इंटरफेरोन होते हैं वो हमारे एंटीवायरल प्रोटीन होते हैं यानी ये प्रोटीन के अगेंस्ट काम करने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल प्लांट जीन बैंक इज लोकेटेड एट, नेशनल प्लांट जीन बैंक कहाँ पे स्थित है, न्यू दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या देहरादून में। तो करेक्ट आंसर इसका न्यू दिल्ली में, ये ऑप्शन नंबर ए सही नहीं, ये कोलकाता या न्यू दिल्ली, देखना जरा बताना मुझे कमेंट करके कि इसका न्यू दिल्ली या फिर कोलकाता दोनों में से एक सही है, तो देखना मुझे कमेंट करना बताना इसका कहाँ सही है, या यहाँ पे, या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, कमेंट करके बताना मुझे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टेस्ट पेपर, पहले कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार में, ठीक है, इस बार ग्रीन कलर लेता हूँ, हरियाली का प्रतीक है। तो टेस्ट पेपर 15 में आपका फिर से स्वागत है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इसके लिए कि द एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन टीयर्स एंड सलाइवा एंड कैन किल बैक्टीरिया आर कॉल्ड, यानी वो एंजाइम जो हमारे आंसुओं में और सलाइवा में प्रेजेंट होता है और बैक्टीरिया को किल करने की क्षमता रखता है वो कौन सा है, हेक्सोकाइनेज, लाइसोजाइम, LDH या ATPase। तो इसका करेक्ट आंसर लाइसोजाइम एंजाइम जो है आंसुओं में पाया जाता है जो कि बैक्टीरिया को किल करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोपोगेशन मटेरियल सीड फॉर मशरूम कल्टीवेशन इज, मशरूम की खेती के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रोपोगेशन मटेरियल सीड को क्या कहा जाता है, तो कंपोस्ट कहा जाता है, स्ट्रॉ कहा जाता है, स्पॉन कहा जाता है या फिर इनमें इन सब, ये सभी कहा जाता है। तो जो प्रोपोगेशन मटेरियल होता है मशरूम का जो सीड है उसको कहा जाता है स्पॉन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाईबैक डिजीज इनमें से किसकी कमी से होता है, तो डाईबैक डिजीज कॉपर की कमी से होता है, मैग्नीशियम की कमी से होता है, मोलिब्डेनम की कमी से होता है, बोरोन की कमी से होता है। तो पौधों में जो डाईबैक डिजीज है वो कॉपर की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो, आम की सीडलेस वैरायटी कौन सी है, सिंधु है, रत्ना है, अल्फांजो है, या फिर इन ये सभी हैं। तो आम की जो सीडलेस वैरायटी है वो है सिंधु, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कंबाइन विद, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने की क्षमता रखता है, 2 ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ, 1.5 ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ, 1.3 ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ, या फिर 2.5 ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्षमता रखता है 1.34 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म रेटूनिंग इज एसोसिएटेड विद विच क्रॉप, जो रेटूनिंग शब्द है वो किस क्रॉप से संबंधित है, कॉटन से, शुगर केन से, पैडी से, या फिर ग्राम यानी चना से। तो रेटूनिंग शब्द जो है वो संबंधित है शुगर केन यानी कि गन्ने से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रोथ हार्मोन, इनमें से कौन सा, ध्यान रखना नॉट लिखा है, कौन सा ग्रोथ हार्मोन नहीं है, तो आंसर है इसका एब्सेसिक एसिड। एब्सेसिक एसिड एक जो है ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है, ये ग्रोथ को रोकने की क्षमता रखता है, तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एब्सेसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है भारत में, इसका कमेंट आप मुझे आंसर में कमेंट में करोगे, इसका आंसर फटाफट से मुझे बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ, बच्चे बच्चे को इसका आंसर पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूसा आदित्य इज मेन वेराइटी ऑफ, जो पूसा आदित्य है वो किसकी मुख्य वेराइटी है, मस्टर्ड यानी सरसों की, ग्राउंडनट की, मूँगफली की, या फिर वीट की। तो पूसा आदित्य किसकी वेराइटी है, तो ये वेराइटी है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सरसों की, बहुत ही फेमस वैरायटी है पूसा आदित्य, जो पंजाब के एरिया में उगाई जाने की क्षमता रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉटनिकल नेम ऑफ स्वीट ऑरेंज, जो ऑरेंज होता है स्वीट ऑरेंज उसका बॉटनिकल नेम क्या है, सिट्रस रेटिकुलेट, सिट्रस ऑरेंटियम, सिट्रस मैक्सिमा, सिट्रस साइनेसिस। तो जो स्वीट ऑरेंज होता है उसका बॉटनिकल नेम सिट्रस साइनेसिस है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, इनमें से कौन सा एक ग्रोथ को रोकने वाला हार्मोन है, यानी वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन, या फिर साइटोकाइनिन, इनमें से कौन सा ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है, कमेंट करना है आपको। करेक्ट आंसर इसका इथाइलिन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इथाइलिन का उपयोग पौधों को पकाने के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइमिंग इज रिलेटेड टू विच क्रॉप, जो प्राइमिंग है इस शब्द का, इस टर्म का एसोसिएशन किस क्रॉप से है, तंबाकू से, सोयाबीन से, कॉटन से, या फिर सरसों से। तो जो प्राइमिंग शब्द है वो संबंधित है ऑप्शन नंबर ए यानी तंबाकू से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, आ सकते एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, न्यू दिल्ली, मुंबई, पटना, या मैसूर। तो करेक्ट आंसर है इसका, ये मैसूर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम इज रेगुलेटेड बाय, जो सोडियम का यूरिनरी एक्सक्रीशन है यानी यूरिन के द्वारा बाहर निकलना, वो किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एड्रिनल कॉर्टेक्स, या फिर एड्रिनल मेडुला। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा ये रेगुलेट होता है। अगला क्वेश्चन है कि विच फर्टिलाइजर डू नॉट अप्लाई विद लाइम, कौन सा फर्टिलाइजर चूने के साथ प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, नहीं कर सकते, कौन सा है, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर ये सभी। तो इनमें से जो अमोनियम फॉस्फेट वाला जो फर्टिलाइज़र है इसका यूज़ कभी भी चूने के साथ यानी CaO के साथ नहीं करना चाहिए, इससे कई सारी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, ठीक है। इसका रीज़न है कि अमोनियम जो इसका कई सारे रीज़न होते हैं। तो चलो अब नेक्स्ट पेपर देखते हैं, नेक्स्ट पेपर 16 को पहला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीडीसाइड, इनमें से कौन सा एक खरपतवार नाशक है, 2,4-D, KA, IBA, GA, या फिर ये सभी। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है 2,4-D, जो है एक स्ट्रॉन्ग वीडीसाइड होता है, एक स्ट्रॉन्ग खरपतवार नाशक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये इंपॉर्टेंट है भाई, आ सकता है कि मैक्सिमम फ्लावर प्रोड्यूसिंग कंट्री, अधिकतम फूल उत्पादक देश कौन सा है, विश्व में सबसे ज्यादा फूल कौन सा देश उत्पादित करता है, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, फिनलैंड या फिर इंग्लैंड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नीदरलैंड, जो है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा फूल उत्पादित करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट इज लीस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस, यानी निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे कम उपयोगी, यानी किसमें प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मिनिमम इन विच लाइट, ग्रीन में, येलो में, रेड में या फिर वॉयलेट में। तो आंसर है ग्रीन, ग्रीन कलर की लाइट में सबसे कम जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि सबसे ज़्यादा रेट, मैक्सिमम रेट किस कलर की लाइट में होता है फोटोसिंथेसिस का, आप मुझे वो कमेंट करके बताओ। सबसे कम तो ग्रीन में होता है, सबसे ज़्यादा कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टेट विच इज़ हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट इन पर हेक्टेयर, वो राज्य जो प्रति हेक्टेयर गेहूँ की सर्वाधिक उत्पादकता देता है वो कौन सा है, पंजाब, यूपी, वेस्ट बंगाल या फिर गुजरात। गुजरात तो हो नहीं सकता, करेक्ट आंसर है इसका ए, पंजाब की जो प्रति हेक्टेयर भूमि है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देती है गेहूं का। प्रति हेक्टेयर का मतलब होता है कि मान लो ये दो स्टेट हैं, ये पंजाब का स्टेट है और ये जो है यूपी का स्टेट है। तो मान लो कोई किसान यहाँ पे, एक किसान यहाँ पे है, एक किसान यहाँ पे है, तो यहाँ पे कोई किसान अपनी एक हेक्टेयर भूमि में मान लो फसल बोता है, और फसल बोने से मान लो एक हेक्टेयर भूमि में 100 किलो फसल बोता है, एग्जांपल के लिए 100 किलो गेहूं बोता है, तो 100 किलो गेहूं से उसका उत्पादन मान लो 1000 किलो गेहूं का होता है। लेकिन वही किसान अगर ये यूपी में, यूपी वाला किसान अपने गेहूं में, अपने खेत में एक वही 100 किलो गेहूं बोता है लेकिन उसका उत्पादन 1000 किलो नहीं होता, उसका उत्पादन मान लो उसका उत्पादन जो है 700 किलो हो गया, तो इसकी पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी कम है यूपी में, पंजाब में ज़्यादा है। तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी होती है वो होती है पंजाब की, गेहूं के मामले में, किसके मामले में, गेहूं के मामले में। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्डन राइस इज रिच इन, गोल्डन जो राइस होता है वो किसका एक अच्छा सोर्स होता है, विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन सी का, विटामिन बी 12 का। तो जो गोल्डन राइस होता है वो विटामिन ए का एक स्ट्रॉन्ग सोर्स होता है, विटामिन ए का एक अच्छा सोर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टंगरो वायरस ऑफ राइस इज ट्रांसमिटेड बाय, जो टंगरो वायरस होता है राइस का यानी पैडी का, वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, ग्रीन लीफ हॉपर के द्वारा, ग्रीन रोलर के द्वारा, स्टेम बोरर के द्वारा या फिर इनमें से सबों के द्वारा। तो जो टंगरो वायरस होता है पैडी में, राइस का मतलब यहाँ पे पैडी से है, धान से है, टंगरो वायरस पैडी में वो फैलता है जनरली किसके द्वारा, ग्रीन लीफ हॉपर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट सुटेबल रेंज ऑफ पीएच फॉर राइस कल्टीवेशन, राइस कल्टीवेशन के लिए सबसे अच्छा पीएच मिट्टी का कितना होना चाहिए, 6.0 से 6.5, 4.0 से 5, 5.5 से 5, 6.5 या फिर 6 से 7 होना चाहिए। तो राइस कल्टीवेशन के लिए एक अच्छी पीएच मृदा की जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए करीब करीब 5.5 से 6.5, यानी कि एसिडिक पीएच करीब करीब होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंटर बनाना इज वैरायटी ऑफ विच क्रॉप, तो जो विंटर बनाना है वो किस क्रॉप की वैरायटी है, किस क्रॉप की किस्म है, बनाना की, मैंगो की, एप्पल की या फिर अमरूद की। तो जो विंटर बनाना है वो एक फेमस वैरायटी है एप्पल की, किसकी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाईएस्ट बनाना प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, भारत में सबसे ज़्यादा जो केला है वो कौन सा उत्पादन, कौन सा राज्य उत्पादित करता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओ। यूपी तो है नहीं, ठीक है, यूपी नहीं है, आंध्र प्रदेश भी नहीं है, तो कमेंट करके बताओ कौन सा है सही आंसर, इन दोनों में से कौन सा सही है मुझे कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम स्टैंडर्ड सॉइल हेल्थ कार्ड विल बी अवेलेबल टू फार्मर इन, भारतीय योजना के अनुसार एक स्टैंडर्ड सॉइल कार्ड जो है, जिसे मानक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसान को एक चक्र में उपलब्ध होता है, यानी कि जो सॉइल कार्ड होता है वो कितने टाइम में लेना चाहिए किसान को, कितने टाइम बाद अपनी सॉइल जो होती है उसको चेक कराना चाहिए। तो आंसर है इसका, यानी कि हर 3 साल में ऐसा करना चाहिए उस किसान को, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट इज लोकेटेड, राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है, जबलपुर, पुणे, हैदराबाद या फिर न्यू दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है
हैदराबाद में ऑप्शन नंबर सी। देखो ऐसा क्वेश्चन आपके पास एक जरूर होगा जिसमें आपको कोई सेंटर कोई इंस्टीट्यूट पूछ दिया जाएगा कहाँ पे स्थित है, वो जरूर करके जाएं, गेस्टेशन पीरियड वाला जरूर करके जाएं, बॉटनिकल नेम आएगा एक वो उसको जरूर करके जाएं, तो किसी न किसी का पूछेगा, आप सबको एक बार मोटा माटी पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीफ स्क्रॉच ऑफ लीची इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, लीची का पत्ता झुलसा रोग किसकी कमी के कारण होता है, जिंक पोटेशियम आयरन या फिर बोरॉन। तो लीची का जो झुलसा रोग है, पत्ते झुलसा यानी पत्ते झुलस से जाते हैं, वो ख़राब से हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि पत्ते फूक से गए, वो किसकी कमी से होता है, तो ऐसा जो है वो पोटेशियम की कमी से होता है, बी की कमी से होता है, सॉरी के की कमी से होता है, मतलब पोटेशियम की कमी से होता है, बी ऑप्शन सही है मतलब ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रो न्यूट्रेंट, इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म तत्व तो नहीं है, माइक्रो न्यूट्रेंट नहीं है, नॉट लिखा है, सल्फर बोरॉन कॉपर मैग्नीज, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सल्फर एक माइक्रो न्यूट्रेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेती विच इज ए हिंदी मैगजीन पब्लिश्ड बाई ICAR, खेती जो कि एक हिंदी मैगजीन है जो कि ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा प्रकाशित की जाती है, वो कब प्रकाशित की जाती है, ईयरली यानी हर साल, मंथली हर महीने, हाफ ईयरली छमाही या फिर वीकली साप्ताहिक। जो खेती है जो ICAR की एक मैगजीन है जो किसानों के लिए है वो प्रोड्यूस की जाती है या पब्लिश की जाती है, ऑप्शन नंबर बी यानी मंथली पब्लिश की जाती है। इसमें आप खेतों खेती से संबंधित मुख्य प्रमुख बातें सीख सकते हैं, भारत के जितने भी किसान हैं मैक्सिमम किसान जो है इसको पढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेपर देखो, पेपर टेस्ट पेपर नंबर 17 की पहला क्वेश्चन है कि रानी एंड आशा, रानी और आशा किसकी जो है एक ब्रीड है, किसकी नस्ल है, किस एनिमल की ब्रीड है, सिप की, पिग की, बकरी की या फिर काउ की। तो रानी और आशा जो है वो पिग यानी कि सुअर की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फांजो वेराइटी ऑफ मैंगो, जो मैंगो की अल्फांजो वेराइटी है बहुत ही फेमस वेराइटी है, इसका ऐड भी आता है जो कैटरीना कैफ जब स्लाइस पी रही होती है ऊपर से बूंद टपक टपकता है, तो वो वाला अल्फांजो जो स्लाइस जो बना होता है अल्फांजो मैंगो से ही बना हुआ होता है, ठीक है। तो अल्फांजो मैंगो जनरली ये महाराष्ट्र में उगाया जाता है, और किस महीने उपलब्ध होता है खाने के लिए, जून से जुलाई, मई से सितंबर, जैन से फेब, अक्टूबर से नवंबर। तो जो अल्फांजो मैंगो होता है वो खाने के लिए उपलब्ध होता है जनरली कब, जून से जुलाई के आसपास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड सॉइल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, जो विश्व मृदा दिवस होता है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो वर्ल्ड सॉइल डे होता है वो सेलिब्रेट किया जाता है 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बॉटनिकल नेम ऑफ सोलेनम ट्यूबरेसम इज ऑफ, सोलेनम ट्यूबरेसम जो है किसका बॉटनिकल नेम है, पटेटो का, टोमेटो का, ब्रिंजल का या फिर चिली का, यानी कि आलू टमाटर बैंगन या फिर चिली का है। तो सोलेनम ट्यूबरेसम जो है ये बॉटनिकल नेम होता है टमाटर इसका, किसका, आलू का, पटेटो का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इज मोस्टली एक्टिव इन, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होते हैं वो किस में अधिकतर एक्टिवेट होते हैं, RBC में, WBC में, प्लेटलेट्स में या फिर ब्लड प्लाज्मा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, RBC में अधिकतम ये एक्टिवेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुच्छी इज ए कॉमन नेम ऑफ, गुच्छी किसका सामान्य नाम है, एगेरिकस का, ईस्ट का, मोर्चेला का या फिर इन सबों का, नॉन ऑफ द अबव, इनमें से किसी का नहीं। तो गुच्छी जो है एक सामान्य नाम है किसका, वो है मोर्चेला का, ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन CAM बोले तो क्रैसुलेसियम या क्रैसुलेसीन एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रैसुलेसीन एसिड मेटाबॉलिज्म जिसे CAM बोलते हैं, प्लांट्स द कॉमन कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, जो CAM प्लांट होते हैं उनमें ऑर्गेनिक एसिड की जो सांद्रता होती है वो इंक्रीज ड्यूरिंग द डे, दिन में बढ़ती है, रात में बढ़ती है, डिक्रीज होती रहती है या फिर ये सभी। तो जो CAM प्लांट होते हैं उनमें ऑर्गेनिक एसिड की जो कंसंट्रेशन होती है वो इंक्रीज ड्यूरिंग द नाइट, रात में बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड फ्यूमिगेंट, ठोस फ्यूमिगेंट का एक उदाहरण है इथाइल डाइब्रोमाइड, मिथाइल डाइब्रोमाइड, मिथेनोयोन या फिर एल्युमिनियम फॉस्फाइड। तो एक सॉलिड फ्यूमिगेंट का एग्जाम्पल है हमारा एल्युमिनियम फॉस्फाइड, ऑप्शन नंबर
डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 का देखो क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लंग्स ऑफ अर्थ। लंग्स ऑफ अर्थ किसको कहा जाता है, इकोसिस्टम को, ओशियन को, एमेजोन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को, या फिर इन में से किसी को नहीं। तो जो लंग्स ऑफ अर्थ होता है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इकोलॉजी का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, वो कहा जाता है हमारा एमेजोन के जो फॉरेस्ट हैं, ठीक है, ब्राज़ील के आसपास जो पाए जाते हैं उनको लंग्स ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है, क्योंकि उनसे हमारी अर्थ को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, हद से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजेंसी ऑफ अनियन इज़ ड्यू टू, प्याज की जो तीक्ष्णता होती है वो किसके वजह से होती है, एलाइसिन के कारण, एलाइल डाइसल्फाइड के कारण, और कैरोटीन के कारण, या एलाइल प्रोपाइल सल्फाइड के कारण। तो जो प्याज की जो पंजेंसी होती है, जो तीक्ष्णता होती है, वो एलाइल प्रोपाइल सल्फाइड के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डाउन सिंड्रोम आर, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 45, 46, 47, 44। ये आपके लिए HW है, तुरंत कमेंट करके बताओ, वेट कर रहा हूँ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल सॉइल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय मृदा एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, करनाल में है। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए करनाल में है, कई जगह आपको देहरादून मिल जाएगा लेकिन करनाल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्किंग वर्ड इज़ रिलेटेड टू, फॉर्किंग शब्द किससे संबंधित है, मूली से, स्वीट पोटैटो से, और मटर से, या फिर टमाटो से। तो जो फॉर्किंग होता है वो संबंधित है मूली से, यानी रेडिश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलाइवरी एमाइलेज इज नोन एज, जो लार युक्त एंजाइम होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, ट्रिप्सिन, नहीं ट्रिप्सिन से नहीं, पेप्सिन से भी नहीं, क्योंकि ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों प्रोटीन को के बारे में रिलेटेड है। तो आंसर है टॉलवीन, टॉलवीन जो है इसे सलाइवरी एमाइलेज के नाम से जाना जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च्ड इन इंडिया, भारत में किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब की गई थी, 2004, 2002, 2002, या फिर 2000 या 1998। तो भारत में किसान क्रेडिट कार्ड की जो शुरुआत है वो की गई थी 1998 को। तो आज के लिए बस इतना ही, इतने ही क्वेश्चन थे, करीब करीब हमने 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस किए हैं। इनमें से आपके एग्ज़ाम में कम से कम आप देखना कि कम से कम आपके 5 से ऊपर क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में 21 को देखने को मिलेंगे। अच्छे से पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।